हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी जो भी खाड़ी से मैंने 70% ऑफ में चीज़ें मंगाई हैं। अच्छा, ये वीडियो का पार्ट टू होगा। पार्ट वन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और बहुत सारे इसके भी पार्ट्स होंगे, क्योंकि अगर मैं इतने सारे पार्सल्स एक वीडियो में दिखाऊंगी तो ना आपको मज़ा आएगा, ना वीडियो देखने में मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो खाड़ी पे बड़ी ज़बरदस्ती सेल चल रही है, अप टू 70% ऑफ तक आर्टिकल्स हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा सबसे सस्ती चीज़ें मंगाती हूँ, तो ये जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं और ये इसमें तो कम लग रहे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो ये सब मैंने 70% ऑफ से लिए हैं। इसमें स्टिच अनस्टिच हर दोनों तरह के आर्टिकल्स मौजूद हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि खाड़ी के आर्टिकल्स किस वक्त रीस्टॉक होते हैं, तो आप लोग वीडियोस को एंड तक देखेगा और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। जब मैं सुनती हूँ, जब मुझे लोग बताते हैं कि उन्होंने मेरी वीडियो देख के शॉपिंग की, 70% ऑफ से आर्टिकल्स खरीदे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से आप लोगों का ये एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आज जो लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे होते हैं रीसेलर्स या दूसरे लोगों से, वही उन्हें बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और आज तो मैं आपको जो आर्टिकल्स दिखाऊंगी वो इतने ज़्यादा मुझे सस्ते मिले हैं कि आप जब उनकी रेट्स सुनेंगे तो आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि इतने सस्ते आर्टिकल्स इतनी महंगाई में। और अभी तो ईद का टाइम है, तो आप लोग जितना अवेल कर सकते हैं अवेल करिए चीज़ों को। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगी उनमें से एक अनस्टिच होगा और एक स्टिच होगा। बहुत ज़्यादा मैंने रीज़नेबल ख़रीदे हैं, तो जब आप इनकी प्राइजेस सुनेंगे तो आप लोग ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको स्टिच से दिखाती हूँ। ख़ास तौर पे जब अनस्टिच के आप प्राइस देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना सस्ता अनस्टिच 7, मतलब इतनी कम रेट्स में, आई थिंक इतनी कम रेट्स में तो अब आपको शर्ट पीस भी नहीं मिलेगा जितनी कम रेट्स में मैंने ये अनस्टिच ख़रीदा है। तो सबसे पहले खैर मैं अब आपको मैंने जो स्टिच ख़रीदा है वो दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये जो स्टिच है ना, ये मैंने दोनों तरह से ख़रीदा था। अब किस तरह से हम लोग ट्राउज़र शर्ट को मिला के ख़रीद सकते हैं, क्योंकि खाड़ी पे तो अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ कुर्ते दिख रहे होते हैं, उनके ट्राउज़र्स हमें मिलते ही नहीं हैं, या हम लोग परेशान होते हैं कि क्या ये मैच कर भी रहे हैं या कलर चेंज होगा या जो भी सीन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ भी बताऊँगी। तो खैर, सबसे पहले मैं आपको ये कुर्ता दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये शर्ट आप देख सकते हैं, ये फुल प्रिंटेड शर्ट है, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है, बट ये इतनी हसीन है, मैं इसके साथ मॉडल पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। सबसे पहले आप नीचे देखें, ये सारी इस पर लेस लगी है। उसके बाद इसका जो कलर है ना, वो इतना ज़बरदस्त है, मतलब समर्स में गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि जो इसका स्टाइल है ना शर्ट का, आप देखें बहुत ही ज़्यादा। इसका मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, इतना मज़े का इसका प्रिंट है। इसकी स्लीव्स आप चेक करें, इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की इसकी स्लीव्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा, बहुत ढीला सा बैगी स्टाइल की ये शर्ट है। अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ, जितना प्यारा इसका फ्रंट है, बैक भी उसका उतना ही अच्छा है। बैक पर भी ये नीचे से लेस लगी हुई है। उसके बाद ये सारा इस पर ये इस तरह से ये फ्लोरल प्रिंट टाइप हुआ हुआ है, फूल बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा। उसके बाद जो मैंने इसका ट्राउज़र ख़रीदा है वो बहुत ही प्यारा है। अब आप ट्राउज़र देखिए, यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा दूँगी, आप देख रहे हैं इतना हसीन ये इसका ट्राउज़र है। ये देखें, ये बहुत प्यारा है इसका, बहुत अच्छा इसका ट्राउज़र है, बड़े मज़े का है, इस पर बहुत ही अच्छा सा प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं या इवन आप लोग के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि शर्ट तो मिल जाती है पर ट्राउज़र नहीं मिलता, या कैसे होगा, क्योंकि टू पीसेस स्टिच नहीं डलते खाड़ी पे। तो उसका ये होता है कि जब भी आप शर्ट पे या ट्राउज़र पे क्लिक करते हैं, उसके नीचे सजेशन आती है, जो सजेशन में अगर दुपट्टा या ट्राउज़र आ रहे समझ ले वो उसी ड्रेस का ट्राउज़र है और वो सेम ही कलर में होगा। तो आप लोग सजेशन से जाके उस पर क्लिक कर लिया करें तो आपको सेम उसी ड्रेस का ट्राउज़र या दुपट्टा मिल जाएगा। और दूसरी बात, खाड़ी के जो साइज़ेज़ हैं, मैं आपको साइज़ का बताती हूँ, खाड़ी के जो साइज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हैं, मतलब मैं जो हूँ बेसिकली स्मॉल पहनती हूँ, लेकिन जो खाड़ी का 8 है जिसे एक्स्ट्रा स्मॉल कहा जाता है, बट वो स्मॉल क्या, मैं तो कहती हूँ वो मीडियम भी पहन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग स्मॉल साइज़ हैं तो आप लोग 8 लें, अगर आप लोग मीडियम हैं तो आप लोग 10 लीजिएगा।
और दूसरी बार ट्राउज़र में एक साइज़ अगर आप बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मुझे इस ड्रेस में सिर्फ 8 साइज़ का ट्राउज़र मिला था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मुझे फिट आएगा नहीं आएगा, वरना मैं 10 लेती हूँ, लेकिन खादी का ये ट्राउज़र मुझे 8 बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है। तो अगर आप स्मॉल हैं और आपको 10 साइज़ का ट्राउज़र नहीं मिल रहा, तो आप लोग बग़ैर किसी मसले के आप लोग आराम से 8 ख़रीद सकते हैं। अब मैं इनको आपके दोनों को इनकी प्राइसेस बताती हूँ। ये जो शर्ट थी हमारे पास, ये थी 3,500 की ये शर्ट थी, और जो ट्राउज़र था, मैं आपको ट्राउज़र बताती हूँ क्योंकि मुझे सच बताऊँ मुझे अलग से रेट याद नहीं है, मैं मिक्स करके आपको दोनों की बता देती हूँ। तो ये जो था ये 1700 का ट्राउज़र था, यानी 350 की ये शर्ट, 1700 का ये ट्राउज़र। तो ये आप देख सकते हैं कुछ 4,000 से भी ऊपर का ये ड्रेस बन रहा है। लेकिन ये जो ड्रेस है, मुझे 70% ऑफ के बाद ये ड्रेस मुझे 1550 या 1650 इस तरह का मुझे ये ड्रेस पड़ा है, 2-पीस स्टिच, इतना सस्ता। आई थिंक बहुत 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 ज़बरदस्त स्टील है और इतना प्यारा लग रहा है ना पहनने के बाद। इवन आप अगर अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ बता दी हूँ, जब मैंने ये शर्ट देखी थी, मॉडल इवन नीचे वाइट ट्राउज़र पहनी हुई थी, लेकिन सजेशन में ये ट्राउज़र मुझे दिख रहा था ये वाला, तो मैंने इस ट्राउज़र को मैंने ले लिया था और ये बिल्कुल परफेक्ट निकला है, तो कोई भी इशू नहीं आया। तो आप लोग सजेशन में बग़ैर किसी उसके ले सकते हैं, बहुत सस्ता ये ड्रेस मिला है। किस टाइम रीस्टॉक होते हैं ये चीज़ें भी मैं अब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना ये जो अनस्टिच ड्रेस जो मैंने बहुत ज़्यादा रीज़नेबल ख़रीदा है, जो इस 2 पीस से भी ज़्यादा रीज़नेबल है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रेस था ये कैम्ब्रिक है। अच्छा, ये ड्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे ये इतना कोई ख़ास तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो इतनी ज़्यादा रीज़नेबल थी कि मैंने सोचा कि इतना सस्ता है, और क्योंकि DC भर रहा है, खाड़ी पे DC फ्री नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर DC भरी जा रही है तो फिर ख़रीद लेना चाहिए। तो मैंने सिर्फ़ एक को कहते हैं ना DC डिलीवरी चार्जेस को कंपनसेट करने के लिए ये ड्रेस डाला था, और ये इतना मतलब अच्छा निकला है प्राइस के लिहाज से कि मैं आपको दिखाती हूँ तो आप लोगों को भी होप सो पसंद आएगा। अच्छा, ये जो अनस्टिच ड्रेस है ये कुछ इस तरह से है। कैम्ब्रिक इसका कपड़ा है, समर्स में आप लोग गर्मियों में इसको आराम से पहन सकते हैं। कलर इसका बहुत ही प्यारा ठंडा कलर जिसे कहते हैं ना, वैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शलवार दिखाती हूँ, प्लेन बेसिक जो शलवार होती हैं ये वैसी है, और सच बोलूँ तो शलवारें भी प्लेन ही अच्छी लगती हैं, प्रिंटेड वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इवन एम्ब्रॉयडर्ड शलवार भी अच्छी नहीं लगती, तो प्लेन शलवार है। उसके बाद ये इसकी शर्ट है, ये इसका बॉर्डर है, ये सारी प्रिंटेड शर्ट है। अच्छा, ये कोई बहुत आउट क्लास तो मैं सूट नहीं कहूँगी, लेकिन प्राइस के लिहाज से ये बहुत अच्छा ड्रेस है। उसके बाद ये इसकी इनने स्लीव्स दी हुई है इस तरह से, ये जो कपड़ा ऊपर, ये इसका स्लीव्स का कपड़ा होगा, ये इसकी शर्ट का होगा। फ्रंट बैक हर चीज़ सेम, ये इसी तरह का प्रिंट दिया हुआ है, फ्रंट बैक यही बॉर्डर है। और उसके बाद जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बड़ा प्यारा है और बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक अच्छा सा बड़ा मज़े का फैब्रिक का है ये, तो ये इस तरह से इसका दुपट्टा है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये इसका फूल है, ये बड़ा मज़े का इसका इन लोगों ने ये दुपट्टा दिया हुआ है, दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है। तो ये अच्छा, मैं अब आपको सबसे पहले रीस्टॉक की टाइमिंग्स बता दूं, वरना कहीं जहन से ना निकल जाए। खाड़ी के जो कपड़े रीस्टॉक होते हैं मोस्टली, और जिस टाइम पे मैंने मंगाए हैं वो थे 4 बजे के बाद से रीस्टॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सहरी के लिए जब आप लोग उठते हैं ना, तो आप लोग खाड़ी की वेबसाइट को बार बार चेक किया करें, क्योंकि कपड़े रीस्टॉक हो रहे होते हैं। अच्छा, मैंने जब मंगाए थे तब वेस्टर्न और रेडी टू वेयर का ऑप्शन था, लेकिन आजकल सिर्फ अनस्टिच का ऑप्शन रह गया फैब्रिक्स वाला। पता नहीं उन्होंने रेडी टू वेयर का क्यों हटा दिया है, वरना रेडी टू वेयर भी बहुत सस्ते डल रहे थे। खैर, अभी सिर्फ अनस्टिच का है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अनस्टिच को ही अवेल कर लें। और खाड़ी पे डिलीवरी 150 रुपीज़ हर ऑर्डर पे लगती है, लेकिन आप लोग डिलीवरी चार्जेस को ना देखें। अगर आपको कोई बहुत सस्ता ड्रेस मिल रहा है तो आप ख़रीदेगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये थी इस ड्रेस के अंदर, अब आप लोग गौर से देखिएगा, खाड़ी भी बहुत ही स्मार्ट है। जैसे हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, बड़े जल्दी जल्दी कपड़ों को ऑर्डर करके ख़रीदते हैं, वैसे खाड़ी भी वो हमारी तरह उतना ही ज़्यादा स्मार्ट है। और आप ये चेक करिएगा, मैंने अभी आप लोगों के सामने इस चीज़ को गौर किया कि जो इनकी मॉडल पिक्चर है ना, उस पर ये इस तरह से ये गला, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये इन्होंने गला दिया हुआ है। अब ये तो वैसे तो ये प्रिंटेड ही है, कोई भी मतलब इस पे
एम्ब्रॉयडर्ड गल नेक लाइन नहीं थी, लेकिन ये इस तरह से गले का प्रिंट था। लेकिन इन्होंने जो स्ट्रेच दिया है उसमें कोई भी प्रिंट, उसमें कोई भी ये डिफरेंट सा अलग सा गला नहीं है, उसमें सिर्फ पूरे आगे पीछे यही प्रिंट हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि आर्टिकल में डिफॉल्ट था। अच्छा, वैसे इस आर्टिकल में और एक और आर्टिकल, मेरे दो आर्टिकल्स में एक थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज सारे आर्टिकल्स परफेक्ट निकले, लेकिन इन दोनों दो आर्टिकल्स में इशू आए। लेकिन खैर, उसके अलावा भी ये सही लग रहा है, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली घर के कपड़ों में इस तरह के पहने तो ठीक लगता है, या अच्छे से सिलवाए तो आप कुछ टाइम तक ऑफिस भी पहन के जा सकते हैं। तो ये इस तरह से निकला। लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो थी ये कुछ, अगर आप इसकी ओरिजिनल प्राइस देखेंगे तो ये, एक सेकंड ब्लर है, ये 3,000 का ड्रेस था, लेकिन मुझे ये 850 या 890 इस तरह कुछ, 800 की उसमें कुछ मुझे ये ड्रेस मिला है, मुझे सही से नहीं याद, लेकिन ये 800 की रेंज है, मुझे इतना कंफर्म है कि ये 800 की रेंज में ड्रेस था। आई थिंक उस लिहाज से 850 या जो भी था, लेकिन 800 की रेंज में अगर आपको 3 पीस मिल रहा है आज के दौर में, क्योंकि अब अगर आप सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा लेने जाएंगे, प्लेन सिर्फ ये जो कपड़ा है ना ट्राउज़र का, यही आपको 800 का मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर आपको ये इस तरह का पूरा बना बनाया एक 3 पीस मिल रहा है, अनस्टिच सारा कलर वगैरह सब, और अच्छा दुपट्टा है जो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ आप मैच कर सकते हैं, तो उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 800-900 में जितने कपड़े आपको अनस्टिच मिले आप लोग उन्हें ऑर्डर कर लें, और सहरी के टाइम रीस्टॉक होते हैं तो बार बार आप लोग चेक करा करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे कपड़े। तो ये थी वीडियो, अब आप मुझे बताइएगा आपको ये छोटा सा हॉल कैसा लगा। अब इसका और भी पार्ट्स आएंगे, जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं मैं वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि यही आर्टिकल्स जो है ना ये रीस्टॉक होते हैं वेबसाइट पर। तो अगर आप लोग एक बार वीडियो में देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो आप लोग हर वीडियो को देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, और जो भी शॉपिंग करें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम बहुत जल्दी 500 की फैमिली में पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ये अशरा ख़त्म होने से पहले 500 हो जाएं, अपने दोस्तों सबको शेयर करें। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।